लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। महाराष्ट्र के राज्यपाल महामहिम भगत सिंह कोश्यारी ने आज राजभवन में आयोजित एक विशेष समारोह में थाने नवीमुंबई और रायगढ़ जिले के 15 प्रशासकीय अधिकारियों को पनवेल संघर्ष समिति का कोविड संजीवनी पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इसमें पनवेल के मनपायुक्त गणेश देशमुख, डॉक्टर गिरीश कुणे, थाने जिला परिषद के CEO प्रशांत रसाल, मशहूर नेत्र विशेषज्ञ और पद्मश्री डॉक्टर तात्या साहब लहाने समेत प्रमुख हस्तियों का समावेश रहा। इस अवसर पर राज्यपाल कोश्यारी ने पनवेल संघर्ष समिति के अध्यक्ष कांतिलाल कड़ू के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि यदि व्यक्ति अपने पद से ऊपर उठकर सेवा और समर्पण भाव से जिम्मेदारी निभाता है तो उसके कार्य सराहनीय और सम्मान के काबिल बन जाते हैं। देखिए रिपोर्ट। मुंबई के राजभवन में आयोजित इस समारोह में आज महाराष्ट्र के राज्यपाल महामहिम भगत सिंह कोश्यारी ने थाने, रायगढ़ और नवीमुंबई के 15 प्रशासकीय अधिकारियों को पनवेल संघर्ष समिति का कोविड संजीवनी पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने पनवेल संघर्ष समिति और उसके अध्यक्ष कांतिलाल कड़ू के जनसेवी कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि जब व्यक्ति अपने पद से ऊपर उठकर लोगों के लिए सेवा और समर्पण भाव से कार्य करता है तब उसके कार्य सम्मान और सराहना के लायक बन जाते हैं। उन्होंने सभी पुरस्कृत अधिकारियों से मातृत्व और सेवा भावना के साथ अपने पद की जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया। इनके काम को देख करके इसका नाम संघर्ष समिति ने रखकर के सहयोग से लेकर रखा जाए। कोविड कालखंड में आज से इस जो एक जागृति आए, एक चेतना आए कि हम केवल सरकारी नौकर नहीं है, हम केवल दुकानदार नहीं है, हम केवल डॉक्टर नहीं, हम भगवान ने हमको सेवा के लिए भेजा है और उस सेवा के लिए सब लोग तत्पर गए और उसी कारण से हम सब लोग इस बड़ी आपदा को टालने में, इसका सामना करने में सब हम पे, मैं आप सब लोगों ने और आपके सारे साथियों ने, आप अलोन कुड नॉट हैव डन, आप सारे साथियों ने या आपने उनके साथ सहयोग लेकर के जो काम किया है उसके लिए मैं आपका फिर से अभिनंदन करता हूँ और आपसे मैं इतना ही निवेदन करता हूँ, मदरली अफेक्शन यदि हमारे अंदर है तो हृदय से प्रेम करना, हृदय से भावना रखना कि मेरे आप अधिक से अधिक अच्छा हो, ना आप भगवान है ना मैं भगवान हूँ, लेकिन हम अच्छा तो सोच सकते हैं, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा करेंगे। इस समारोह में नेत्र विशेषज्ञ पद्मश्री डॉक्टर तात्या राव लहाने, पनवेल के मनपा आयुक्त गणेश देशमुख, थाने जिला परिषद के CEO प्रशांत रसाल, कलम्बोली के RTO अधिकारी शशिकांत तिरसे, नवीनबाई मनपा की अतिरिक्त आयुक्त सुजाता डोले, भिवंडी के आयुक्त सुधाकर देशमुख जैसे प्रमुख हस्तियों को ट्रॉफी और पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। यहाँ कई प्रशासकीय अधिकारियों ने राज्यपाल के हाथों कोविड संजीवनी पुरस्कार मिलने को बड़ा गौरव बताया और पनवेल संघर्ष समिति के प्रति आभार जताया जिसने उनके कार्यों की दखल ली। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे अरेंज किया गया। पनवेल संघर्ष समिति ने आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय के हाथ से जितने भी कोविड योद्धा थे जिन्होंने कोविड में एक अच्छा काम करने की कोशिश की है उन सभी महानुभावों को यहाँ पर बुला के सम्मानित किया गया। एक अच्छा उपक्रम पनवेल संघर्ष समिति ने किया है, कभी ना आज तक आई ना भविष्य में आ सकते। इस टाइप का एक इंटरनेशनल लेवल का एक पैंडेमिक था ये, और ये पैंडेमिक में कोई दवा नहीं, कोई इलाज नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं, ऐसी सुविधा में स्टार्ट से गवर्नमेंट के डायरेक्शन से सभी ऑफिसर्स ने, सभी स्टाफ ने जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है। तो इस तरीके से प्रोग्राम के वजह से आदमी को थोड़ा सा एक मोटिवेशन आता है। ये मेरे लिए और मेरे RTO डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ा सम्मान की बात है। पूरे पनवेल RTO ऑफिस की तरफ से पूरे हमारे महाराष्ट्र के जो RTO की टीम है उन्होंने कोविड के वेव में, स्पेशली फर्स्ट वेव एंड सेकंड वेव में काफ़ी अच्छा काम किया। इसमें ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है तो मेरे सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी, कर्मचारी एंड जो मेरे चालक
जो अधिकारी तो बदलते रहे लेकिन चालक जो है वो हमेशा इस महामारी में हमारे साथ में रहे, वो पूरा डिपार्टमेंट का सम्मान है। मुझे जो सम्मानित किया गया उसके लिए महामहिम राज्यपाल साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और पनवेल की जो मेरी NGOs है, संघर्ष समिति, उन्होंने इस मेरे काम का जो ये लिया, रिकग्नाइजिंग किया, जो नोटिंग लिया, उसके लिए भी मैं उनका अत्यंत बहुत आभारी हूँ। पनवेल शहर में 13 महीने काम करते हुए बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत काम करना पड़ा, बहुत हमने लोगों की सेवा करने का प्रयास किया, और जब ऐसे जब कोई कहता है कि आपने अच्छा काम किया है तो उसमें एनर्जी बढ़ जाती है। ये हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात हो गई कि वो गवर्नर साहब के हाथ से पनवेल संघर्ष समिति ने हमारा यह गौरव किया। भविष्य में इसकी वजह से हम और भी ज़्यादा क्षमता से काम कर सकेंगे और लोगों की सेवा कर सकेंगे। सबसे पहले मैं पनवेल संघर्ष समिति के जो प्रमुख है, मुखिया है कांतिलाल जी कड़ू साहब, और उनकी पूरी टीम को बहुत मन से धन्यवाद देना चाहती हूँ। काम तो सब लोग करते हैं कोविड में, वो जो ऑफिसर्स भी है, NGOs भी है, आम आदमी है, कोई ना कोई अपना सहयोग बताते हैं, सबको सहायता करते हैं, लेकिन ये सब करके जो लोगों को इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए, कोई भी ऐसा कहा जाता है कि इंस्पिरेशन मिला तो आदमी की अंदर की ताकत दुगनी हो जाती है, उनको बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है, वो मोटिवेशन देने का काम आज ये पनवेल संघर्ष समिति के माध्यम के द्वारा कांतिलाल कड़ू साहब ने किया है। और सबसे गर्व की बात ये है कि जो पुरस्कार और जो सम्मान किया है, वो सम्मान आज महाराष्ट्र के महामहिम भगत सिंह कोश्यारी साहब के हस्ते हुआ है, वो सबसे बहुत गर्व की बात है। और कोरोना के महामारी में सब अधिकारी काम करते हैं, लेकिन उनका जो काम है, वो काम का दखल अगर किसी ने दिया और वो लेके उनको और मोटिवेशन दिया, तो भविष्य में भी ऐसे कोई भी आपत्ति आए, कोई भी नौबत आए, तो सब लोग एक साथ जुड़ के वो आपत्ति को हम लोग सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। थैंक यू। वहीं कोविड काल में सेवाएं देने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहन दिलाने में जुटे पनवेल संघर्ष समिति के अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार कांतिलाल कड़ू ने राजभवन में कोविड संजीवनी पुरस्कार के आयोजन और महामहिम से मिले आशीर्वाद के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा कि इससे समाज के प्रति और अधिक जिम्मेदारी के साथ काम करने का हौसला मिला है। आइए सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। ये वर्ड में मैं बना नहीं सकता, लेकिन मुझे इतनी खुशी हुई है कि महाराष्ट्र के महामहिम साहब ने, एक तो 1 घंटे का प्रोग्राम रहता है साहब का, और एक 2 घंटा आपने देखा कि 2 घंटे से भी ज़्यादा वक्त देकर पनवेल, रायगढ़ और थाना के जो भी ऑफिसर है उन सभी लोगों का गौरव सत्कार किया। मुझे खुशी इस बात की है कि मैं जो काम कर रहा हूँ कोविड में, मेरी संस्था काम कर रही है और कई संस्था काम कर रही है, लेकिन अपने पीठ पर जैसी एक ऊर्जा मिलती है कि चलो आगे भाई ये करना है, नेकी करके दरिया में डालना है, वैसे ही काम कई और ऑफिसर कर रहे हैं, तो उनको आगे थोड़ा ऊर्जा दे के ये काम करवाना लेना है, क्योंकि जब प्रशासन और सत्ता, सरकार, ये दोनों एक होते तो समाज का उद्धार होता है। समाज का उद्धार करने के लिए इन लोगों को मैंने, उनको ऊर्जा देने का एक प्रयास किया है, चाहे ऑफिसर हो या सोशल वर्क में काम करने वाले हो या आप जैसे कोई कोविड योद्धा हो, उनको थोड़े एक आगे जाने के लिए उनका सम्मान करना जरूरी है। मैं संस्था से और लोगों को एक आह्वान करूंगा कि भाई ये समाज में जितने भी लोग अच्छा रहे, वो कोई भी पद पर रहे, लेकिन उन्होंने किया हुआ काम, उसका कुछ ना कुछ दर्द आपने देख के उसका सम्मान होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, TBN इंडिया।